नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। और आज आप अगले एक घंटे तक देखेंगे हर राज्य और देश भर से कोरोना से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर मेरे साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस बेहद खतरनाक है। तो कोरोना टेस्ट को दरअसल ये वायरस जो है चकमा दे रहा है। डबल म्यूटेशन वायरस की बात करें तो B.1.617 इसका नाम दिया गया। डॉक्टरों के होश उड़ चुके हैं इस वायरस की वजह से। ये वायरस सबसे ज्यादा मौत की वजह बन रहा है और इसी वजह से लगातार देश भर में कोरोना के जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। तो देखिए, डबल म्यूटेशन वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं और जब आंकड़े सामने आए इस वायरस के बारे में रिसर्च डॉक्टरों ने किया तो वाकई में होश उड़ गए डॉक्टर्स के। इसलिए सभी को बहुत सावधान, कोरोना का डबल म्यूटेशन बेहद खतरनाक है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की मार से इस वक्त तड़प रहा है। हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सपर्ट्स नहीं बता रहे कि कोरोना का नया वायरस जिसे डबल म्यूटेशन वायरस कहा जा रहा है वो इतना खतरनाक आखिर क्यों है और कैसे हो गया, इस रिपोर्ट से समझिए। इतना बुरा हाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। खूंखार कातिल निकला कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस। कोरोना का डबल अटैक, हिंदुस्तान में मौत की सुनामी। क्या अप्रैल के पहले हफ्ते में कोई अंदाजा लगा सकता था कि हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर मौत का तांडव मचा देगी। अस्पतालों की सांसें फूल रही हैं, डॉक्टर्स अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की बाढ़ थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना का नया वेरिएंट सारी मेडिकल एक्सपर्ट और दवाइयों को हराता जा रहा है। हर दिन कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस इंसानों को मारने का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही इस वायरस ने हिंदुस्तान में लगभग 1200 लोगों की जान ले ली है, जबकि इसकी चपेट में 2,17,000 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस इतना खूंखार निकला कि यह मेडिकल एक्सपर्ट को सोचने तक का मौका नहीं दे रहा है। क्या दिक्कत हुई भानुजी? भानुजी को ये दिक्कत है, हमारे बड़े भाई परसों इंस्पायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ने नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं दूसरी ओर भारत में वैक्सीनेशन में भी तेजी हो रही है। इन सब के बीच में कोरोना वायरस के एक नए म्यूटेंट ने हर किसी की चिंता और बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट को डबल म्यूटेशन वायरस कहा जा रहा है। यही कोरोना वायरस सबसे ज्यादा लोगों को मार रहा है, जिसकी वजह से शमशान घाट में चिताओं की बाढ़ आ गई है। और कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ती जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस क्या है और ये कितना खतरनाक है। इस डबल म्यूटेशन को B.1.617 के नाम से जाना जाता है। पहला म्यूटेशन E484Q था, दूसरा म्यूटेंट L452R था, और अब डबल म्यूटेंट B.1.617
1.617 है। ये साक्षात यमराज बन गया। ये डबल म्यूटेशन का रूप संक्रमण फैलाने के साथ साथ बहुत खतरनाक है। इस म्यूटेशन के वेरिएंट देश के करीब 5 राज्यों में पाए जाते हैं। इसी डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हिंदुस्तान में हो रही हैं। ये सर जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूँ, अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। जब नंबर आया तो उसके बाद जांच हुई, जांच होने के बाद मेरे को रिपोर्ट आज मिली है, कल जांच हुई है, आज रिपोर्ट मिली है। निगेटिव है लेकिन उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं कोई भर्ती बेड नहीं है। CSIR के एक एक्सपर्ट के अनुसार डबल म्यूटेंट कई कारणों से फैलता है। सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही है। दूसरा कारण ये महामारी बंद कमरों पर जहां वेंटिलेशन कम हो वहां ज्यादा फैलता है, खुली हवा में कम फैलता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की कहर दिल्ली महाराष्ट्र में पीक में चल रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश में भी तेजी से फैल रहा है। अब देखना होगा कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस को हम अगले 10 से 15 दिनों में कैसे फैलने से रोक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के कई खुलासे हो रहे हैं। कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है वो युवाओं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक है। डॉक्टर्स ने चेतावनी भी दी है इस नए वायरस से बच्चों को बचाएं। कोरोना के 65% मरीजों में 45 से नीचे के युवक हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक में नए कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला। नए वेरिएंट से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत कर्नाटक में इस वक्त हुई है। हितेन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से, तो तुषार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हितेन का रुख करते हैं, जिनके पास क्या जानकारी, क्या खबर हितेन इस वक्त ग्राउंड जीरो से मिल पा रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ये जो नया वायरस है ये बच्चों को काफी जल्दी तेजी से पकड़ रहा है, यही जांच, इसी खबर की जांच के लिए आज मैं खुद पीपीई किट पहनकर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में पहुंचा था। देखिए जिस तरीके से दिल्ली NCR में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए मैं खुद पीपीई पहनकर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में पहुंचा था और वहां के डायरेक्टर से भी मैंने बात की, तो साथ ही साथ कई कोरोना के मरीजों से भी बात की, बच्चों ने भी लोगों के लिए कुछ अपील किए। देखिए वो रिपोर्ट। इस वक्त हम अस्पताल में मौजूद है, नोएडा के यथार्थ अस्पताल में हम मौजूद है। हमारे साथ यथार्थ अस्पताल के जो डायरेक्टर है यथार्थ त्यागी, वो भी मौजूद है। कुछ कोरोना मरीजों से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार वो लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लोग अभी भी समझ नहीं रहे, सुधर नहीं रहे, बेदरकारी दिखा रहे। लेकिन मैं यथार्थ जी से बात करूँगा। सर, ये जो नया स्ट्रेन है ये कितना डरावना है? नहीं, बिल्कुल, ये जो स्ट्रेन है ये पहले से हम कहें तो 75 मोर इन्फेक्शस है। ये बहुत जल्दी फैलता है और हम देख भी रहे हैं जो इस बार पेशेंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो काफ़ी सिक भी हैं, और इस बार तो जो यंग लोग हैं, यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है। हमारे पास काफ़ी केसेज हैं जो हमारे ICU में हैं। सिम्टम्स तो जहाँ तक हम बात करें कि जो लास्ट टाइम देखते थे, चाहे वो लॉस ऑफ स्मेल हो या फीवर हो, हाई ग्रेड फीवर हो, वो सब तो इसमें चीज़ें आ रही हैं। बट यूजुअली जो हमारे पास यहाँ पे जैसे पेशेंट्स हैं, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार पेशेंट से खुद बात करें और वो आपको बताएंगे कि उनको किस तरह से क्या सिम्टम्स फील हुए। सो यहाँ पे एडमिट हुए, फिर यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी सपोर्टिव रहे, इस सेंस में कि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जो लोगों को जानकारी नहीं है, भ्रम ज़्यादा है, असली जानकारी बहुत कम है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का जो जैसे डॉक्टर साहब भी हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आपके प्लस हैं, क्या नेगेटिव हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट चलेगा, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, एटलीस्ट वी आर इन गुड हैंड्स। और पूरा देश, सरकार, हर कोई आप लोगों को अपील कर रहा है कि मास्क। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दी, खबर हरिद्वार से आ रही है जहां संतों के बीच एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। हरिद्वार में 24 और साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 54 संत कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कुंभ पहुंचे 54 संत अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए। निरंजनी अखाड़े के सचिव भी कोरोना पॉजिटिव है।
मानसून के दौरान कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है और ये तादाद जो है वो आगे भी बढ़ती रहेगी। देखिए अभी इस वक्त जो खबर सामने आ रही है 54 ऐसे संत हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कुंभ पहुंचे यहां 54 संत अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जो लोग यहां पहुंचे हुए थे निरंजनी अखाड़े के सचिव भी कोरोना संक्रमित हुए और इस दौरान कुंभ में ये कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। तो तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार देखिए दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हॉस्पिटल के हालात की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए दिन प्रतिदिन अगर बात करें तो स्थितियां काफ़ी भयावह होती जा रही है, मंजर बहुत खौफनाक है क्योंकि कोरोना लगातार अपने ही रिकॉर्डों को तोड़ रहा है। कल तक जो उत्तर प्रदेश में स्थिति थी वो 22,000 के लगभग कोरोना संक्रमित मरीज थे, लेकिन आज 27,000 से अधिक मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग बेड की तो यहाँ पर इतनी किल्लत है कि जो और मरीज हैं वो भी एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। ICU नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। लोग हमेशा अपने परिजनों को एडमिट कराने के लिए इधर उधर की भटक रहे हैं, कभी एक अस्पताल से कभी दूसरे अस्पताल कभी तीसरे अस्पताल। सरकार के जो जिम्मेदार हैं अगर उनसे कोई शिकायत करिए, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई शिकायत करेंगी तो वो सीधे तौर पर उस पर लिख देते हैं कि नोट कर लिया गया है, जल्दी आपको समाधान हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं कि वो अस्पताल में एडमिट हो, ज़मीन पे लोग पड़े हुए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल की तस्वीर है कि जो मरीज हैं जो पेशेंट हैं वो बाहर पड़े हुए थे, कम से कम डॉक्टर आके बाहर ही। हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देखिए एक बेहद खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे थे कि युवाओं की मजबूत इम्यूनिटी उन्हें कोरोना से बचा रही है, लेकिन हम ये सोचकर चल रहे थे कि बच्चों को कोरोना छू भी नहीं पाएगा, लेकिन बिल्कुल उलट हालात हो गए। दरअसल ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस वक्त कोरोना का नया वेरिएंट सबसे ज्यादा जो इसके शिकार हैं युवाओं और बच्चों पर ही अटैक कर रहा है वो लोग हो रहे हैं और इससे मेडिकल एक्सपर्ट भी अब हैरान है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। कोरोना किलर का डबल अटैक, दूसरी लहर का कहर, बच्चों युवाओं को मारे कोरोना। जनवरी 2021 में हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि भारत ने कोरोना को काबू में कर लिया है और हिंदुस्तान ने कोरोना को हरा दिया है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के बाद ही कोरोना के नए वेरिएंट ने इतना घातक हमला भारत पर किया कि अब महानगरों के शमशान घाट चिताओं की आग से भट्टी बन चुके हैं, जबकि कब्रिस्तान में जनाजों को जमीन नसीब होना मुश्किल हो रही है। देश के एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कोरोना का नया वेरिएंट इतना घातक कैसे हो गया, ये वायरस कोरोना टेस्ट को कैसे चकमा दे जाता है। लेकिन इस सबके बीच इस कोरोना ने अपनी मौत की रफ्तार से डॉक्टर्स के होश उड़ा दिए हैं, ये चुन चुन कर बच्चों और युवाओं को शिकार बना रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त देश के कई हिस्सों में 45 साल के नीचे की उम्र के युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अकेले दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ कुल संक्रमित मरीजों में 65% युवा नए वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में कुल मरीजों में 65% युवा कोरोना मरीज है। दिल्ली में देखा गया कि 30 से 40 साल की उम्र के युवा तेजी से कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं यही ट्रेंड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है, जहां 30 से 40 साल के बीच के सबसे ज्यादा युवा कोरोना का शिकार हो रहे हैं।
तो कोई नहीं मिला, हमें अंदर नहीं जान दे रहे थे, माँ पापा से मिलने हमें बताया भी नहीं कहाँ पर है, कभी कह रहे कि तुम हेल्प डेस्क पे जाओ, कभी कह रहे सीएमओ के पास जाओ, ऐसे चक्कर काटते रहे हम रात तक, हमें नहीं पता चला हमारे पापा कहाँ है। डॉक्टर आएगा, टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, और वहाँ पे जो वार्ड बॉय मतलब इतने गंदे लोग हैं, कोई हेल्प नहीं करता, हेल्प डेस्क पे कोई होता ही नहीं है, कोई फोन क्या फोन नंबर दिया, किसी ने फोन भी नहीं उठाया। एक्सपर्ट्स तक हैरान हैं कि जिन युवाओं की इम्यूनिटी मजबूत थी वो भी कोरोना का शिकार कैसे बन गए, आखिर ये कोरोना वायरस इतना घातक कैसे हो गया, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो इस कोरोना वायरस ने वाकई मासूमों को मौत की नींद सुलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। अब जरा गुजरात पर नजर डालें। गुजरात के वडोदरा में बच्चों के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 15 दिनों में 75 से ज्यादा बच्चे कोविड पॉजिटिव अस्पताल में भर्ती किए गए। हैरानी की बात यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो गए। वहीं महाराष्ट्र में भी बच्चों पर कोरोना अटैक कर रहा है। मुंबई के कई इलाकों में खास करके बच्चों के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि डेडिकेटेड उनके लिए हॉस्पिटल बना दिया जाए या उनके लिए यानी कोविड संक्रमित बच्चों के लिए अलग से व्यवस्थाएं रखी जाए। इस तरीके से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा सरकार, बार बार केंद्र सरकार से गुजारिश की गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को यह पत्र या प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखकर ऑक्सीजन और कोविड में लगने वाली दवाओं की मांग की है। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की जद से बच्चे भी बाहर नहीं हैं। कर्नाटक में कोविड वॉर रूम से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 साल तक के बच्चे अब तक कुल 29,641 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 29 बच्चों की मौत हो गई है। कोरोना का नया वेरिएंट युवाओं को बच्चों के लिए काल साबित हो रहा है। अगले 10 से 15 दिन बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो यकीन मानिए कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना विस्फोट हुआ। शादी में आए थे 500 लोग, 135 लोग संक्रमित पाए गए। मौलाना बाजार ब्लॉक का सत्तीगुड़ी गांव है जिसे सील कर दिया गया है। सत्तीगुड़ी गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि कई लोग जो शादी में शामिल हुए थे वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। उस गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से इस गांव को सील कर दिया गया है, किसी के भी आने की यहां पर अनुमति नहीं है। और इसी के साथ मेरा राज्य मेरा देश में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नए कोरोना वायरस से 16 राज्यों में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना मरीज के ठीक होने की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोरोना की सक्रिय दर 10.46% तक पहुंच चुकी है। तो नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है आधे से भी कम है। एक मिनट में नया कोरोना वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस वजह से जो कोरोना मरीजों की तादाद है वो देश भर में लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए, नए कोरोना वायरस से 16 राज्य में हालात बेहद गंभीर है। हमने आपको तमाम राज्य भी बताए जहां की स्थिति क्या है, कैसी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी हालात ज्यादा ठीक नहीं है। तो कोरोना के मामले देशभर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए डॉक्टर्स भी हैरान हैं। और ये जो नया कोरोना स्ट्रेन है वो एक मिनट में 90 लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भारी गिरावट। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जो हमें विचलित भी कर सकती है। शमशान घाट भट्टी बन चुके हैं इस वक्त, जहां समय के 24 घंटे में लाशें जल रही हैं, और जबकि कब्रिस्तान का हाल यह हो गया है कि जनाजों को जमीन तक मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आखिर कोरोना का यह कहर कहां जाकर के थमेगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति वो स्क्रीन पे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को पहले देखिए।
क्या कोरोना को हल्के में लेना हिंदुस्तान को भारी पड़ने लगा है? अगर हम कहें हाँ तो यही सही होगा। दो हफ्ते में ही कोरोना ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि सरकारों को समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना को कैसे काबू में करें। सिर्फ 24 घंटे में ही हिंदुस्तान में 2,17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,184 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। अगर 24 घंटे में ये है तो जरा अंदाजा लगाइए कि अगले 10 से 15 दिनों में कोरोना की रफ्तार कितनी तेज होने वाली है। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोविड के इस मार में, जबरदस्त मार में, हॉस्पिटल जाओ तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मर गया तो वहाँ मोर्चरी नहीं है जी, उसके लिए हमने मोर्चरी वैन एयर कंडीशन अपनी बनाई है, वहाँ खड़ी कर देते हैं। इस बीच देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,00,000 पहुंच गई है। इस महीने सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 31 मार्च को ये 6,00,000 थी। ज्यादा सक्रिय मामलों का अर्थ है कि इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और मौतों की संख्या में भी तेजी आएगी। एक भाई हमारा खत्म हो गया, दूसरा खत्म होने वाला है। कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। कोरोना वायरस की भयावह रफ्तार के चलते अब तक 16 राज्य में हालात बिगड़ चुके हैं। वहीं कोरोना ने लगातार तीसरे दिन देश में लगभग 1200 लोगों की जान ले ली। दूसरी बार एक दिन में 2,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। पिछले साल 30 जनवरी को देश में पहला संक्रमित मरीज मिला था और तब से लेकर अब तक एक दिन में सबसे अधिक मामले मिलने का ये नया रिकॉर्ड है। सिर्फ 9 दिन में प्रतिदिन मिलने वाले मामले एक से बढ़कर 2,00,000 हो गए। वहीं अमेरिका में इतना ही मामला होने में 21 दिन लगे थे। नया कोरोना वायरस पूरे मेडिकल सिस्टम को तबाह करने में लगा है। मरीज बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बेतहाशा बढ़ रहा है, लेकिन मरीजों को ठीक होने की रफ्तार उसी तेजी से नहीं बढ़ रही जैसे बढ़नी चाहिए थी। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से ठीक होने की दर घटती जा रही है। देश में अभी 88.31% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि करीब 15,00,000 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना की सक्रिय दर 10.46% तक पहुंच चुकी है, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। इसके अलावा देश में पहली बार एक दिन में 1,06,000 सक्रिय केस बढ़े। नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आधे से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,24,29,564 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब आधे से भी कम है। कोरोना मरीजों का ये आंकड़ा डरा रहा है कि आखिर नए कोरोना वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को ठीक होने में वक्त ज्यादा क्यों लग रहा है और मौत का आंकड़ा इतना क्यों बढ़ रहा है। सर, सिचुएशन पिछली बार जो हमने सिचुएशन देखी थी उसके बाद जो है अभी का सिचुएशन? सर, पिछली बार जो बॉडीज आ रही थी ना मैक्सिमम, उसमें क्या था कि बुजुर्ग लोग थे, 60 वाले, 70 वाले, 80 वाले। मैं हैरान हूँ कि 40 वाले, 38 वाले, और आज तो एक बच्चे की भी, 14 साल के बच्चे की कोविड की पॉजिटिव बॉडी आई है। इसका मतलब है कि मंजर बहुत खतरनाक है जी, कोई बचाव नहीं है इस बार। हर दिन 80-82% तक नए मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गुजरात, राजस्थान से सामने आ रहे हैं। इनके अलावा हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं असम में भी जांच का स्तर सबसे निचले पायदान पर है और इसीलिए वहां से संक्रमित मामलों की सटीक जानकारी भी नहीं मिल पा रही। लगभग पूरा हिंदुस्तान कोरोना के नए वेरिएंट का शिकार हो रहा है। अब देखना होगा कि हमारा मेडिकल सिस्टम इस महामारी से कैसे निपटेगा। फिलहाल तो कोरोना हमारे मेडिकल सिस्टम की धज्जियां उड़ाने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में आज से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू यहां लगा दिया गया। कर्फ्यू तोड़ने पर लगेगा 2 गुना जुर्माना लोगों पर। ई पास के बिना बाहर निकलना महंगा पड़ेगा। कर्फ्यू तोड़ने पर हो सकती है गिरफ्तारी भी आपकी। तो दिल्ली में आज से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है आम जनता के लिए, क्योंकि जिस तरीके के केसेस
दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद प्रशासन और सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। जी मीडिया संवाददाता अभिषेक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान दिल्ली में कर दिया गया है, क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है लोगों को जागरूक करने के लिए भी? देखिए, जागरूक करने के लिए तो अभी यहां पर बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स या दिल्ली पुलिस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त मैं सीपी में खड़ा हूं और आपको नजारा दिखाई देता है। यहां पर आप देख लीजिए जो दुकानें हैं, सीपी एक व्यस्ततम इलाका है और यहां पर भीड़ आपको काफी कम दिखाई देगी। हालांकि बारिश भी हो रही है इस वक्त दिल्ली में, काफी तेज बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग घूम सकते हैं वहां पर स्थिति बहुत इस वक्त शांत दिखाई दे रही है। लोग धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे यही हाल है। 10 बजे यहाँ पर आपको जो होटल्स दिखाई दे रहे हैं, 10 बजे उन होटल्स को बैठा के खिलाना मना है, उनको सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड है, ऑनलाइन ही फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए कुल मिलाकर के दिल्लीवासी जो है वो जागरूक नजर जरूर आ रहे हैं। और आज से रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है जो सोमवार सुबह तक लागू है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं क्या तैयारियां हैं। दिल्ली का दम निकाल रहा है कोरोना, दिल्ली में मौत का तांडव मचा रहा है कोरोना, कोरोना की कैद में दिल्ली की जान, दिल्ली में कोरोना से डरो वरना मरो। महाराष्ट्र के बाद अब कोरोना ने दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया है। दिल्ली में कोरोना ने महाविस्फोटक के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक हाहाकार मची हुई है। दिल्ली में रोजाना 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के आगे अस्पतालों की व्यवस्था फेल हो गई है। एडमिट कर लेते, रख लेते, इलाज नहीं देते। दिल्ली में सभी अस्पताल फुल हो चुके हैं, बेड के लिए मरीजों को 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए डरना जरूरी है। जो शख्स कोरोना से डर गया, समझिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंग जीत गया, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बेड्स को लेकर एक जंग चल रही है इस वक्त, क्योंकि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लोग अस्पतालों में भर्ती होते जा रहे हैं, वो आंकड़ा भी बेहद तेजी से बढ़ा है। लेकिन दिल्ली कोरोना ऐप में एक बदलाव आ गया है। जो वेंटिलेटर का एक स्टेटस 2 दिन पहले हमें नजर आता था, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये 14 अप्रैल का जो डेटा है, अगर वो मैं दिखाऊं आपको, वहां पर COVID-19 बेड्स दिखते थे, आईसीयू बेड्स विद वेंटिलेटर, यानी कि अब वेंटिलेटर के बेड्स कहां पे और कितने अवेलेबल हैं, इस चीज की जब जानकारी लेने के लिए आप जाते थे तो वो आपको जानकारी मिल पाती थी। लगातार वेंटिलेटर की जो संख्या थी वो कम हो रही थी। हमने देखा कि परसों सिर्फ 70 वेंटिलेटर ही बाकी थे। तो आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि आज वो ऑप्शन ही दिल्ली सरकार की इस ऐप से हट चुका है। बेहतर इलाज, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड नहीं मिलने के कारण दिल्ली में रोजाना सैकड़ों लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाट और कब्रिस्तान शवों से पट गए हैं। शमशान घाट पर शवों की लंबी लाइन लगी है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए अब जगह बची नहीं है। लोग शवों को सड़क के किनारे दफना रहे हैं और जलाने को मजबूर है। केजरीवाल सरकार ने कोरोना को काबू बनाने के लिए दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। बस थोड़ी देर में दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की सेवाओं पर पाबंदियां लगा दी गई। जिम, स्पा, मॉल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल इसी के साथ मेरा राज्य मेरा देश में इतना ही।
अनुराग का रुख करते हैं, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, और कौन सी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वो दे रहे हैं, आइए आपको सीधा अनुराग के पास लिए चलते हैं। बिल्कुल प्रिया, बड़ी जानकारी एक बहुत बड़े खुलासे को लेकर है, क्योंकि अब जी हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव पेशकश के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव पेशकश जिसमें हम बताएंगे कि कैसे ममता दीदी लाशों को लेकर सियासत कर रही है। अब से थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा खुलासा जी हिंदुस्तान पर आप देखेंगे, दीदी की डेड बॉडी वाली रैली एक्सक्लूसिव हम आपको बताएंगे, दीदी ने क्यों कहा डेड बॉडी संभाल कर रखना, दीदी ने क्यों कहा डेड बॉडी के साथ रैली करूंगी। पांचवें चरण से पहले सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा जी हिंदुस्तान करने जा रहा है, जो 9 बजे राष्ट्रवाद में हमारे सहयोगी सरफराज सैफी आपको बताएंगे कि आखिर ममता दीदी की रक्त खेला वाली सियासत क्या है, और कैसे उस सियासत के जरिए इस बार एक बार फिर से ममता दीदी सत्ता पर काबिज होना चाहती है।